नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले दोस्तों गेल इंडिया और बारबेक्यू नेशन, जहां भी इस बैक बाय राकेश झुंझुनवाला जी, वहां पे दोस्तों लगातार गिरावट हो रही है। और दोस्तों GITF इंफ्रा लॉजिस्टिक एक ऐसा शेयर जिसने धमाकेदार रीजन दिया, बट अब वो लेवल आ चुका है जहाँ पर हमें एक बार सतर्क हो जाने की ज़रूरत है दोस्तों। तो पहला स्टॉक है दोस्तों GITF इंफ्रा लॉजिस्टिक, जहाँ पे एक धारी तेजी बनी थी दोस्तों। और जब ये स्टॉक में मैंने थंबनेल रखा था दोस्तों, 1 लाख का हो गया 20 लाख दोस्तों, 20 times रिटर्न हुआ था इन 6 months दोस्तों। और जब हमने 162 पे लास्ट चेक किया था इस स्टॉक को, और उसके बाद दोस्तों स्टॉक गया 337, ऑलमोस्ट पैसे डबल भी हो गए थे दोस्तों आपके। बट उसके बाद देखिए दोस्तों क्या गजब की गिरावट आई हुई है दोस्तों। अब ये गिरावट रुकेगी कि नहीं, उसके ऊपर दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सटीक फॉर्मूला है, जहाँ पे हम गिरावट का एक अंदाज़ा लगाते हैं, तो वो अंदाज़ा यहाँ पे है दोस्तों। स्विंग लो से स्विंग हाई को कनेक्ट कर दिया है, जो हाई बना था 22 अक्टूबर को, और उसका जो रिट्रेसमेंट आ रहा है 61.8% का 133 दोस्तों। तो यहाँ पे अगर खुलता है तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल थे वहाँ पे खुलने की कोशिश की, बट दोस्तों बियर्स हाई हो गए दोस्तों, वहाँ से कंटिन्यूस फॉल ही आया था दोस्तों, सेलिंग प्रेशर बहुत ही हाई था। बट यहाँ पे एक चांस बन सकता है कि दोस्तों यहाँ पे एक बार स्टॉक साइड जोन में चला जाए, साइड वे चला जाए, और दोस्तों वेट करे, फिर थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट देने की संभावनाएँ रखता है। अगर दोस्तों साइड जोन या गिरावट में रुकता नहीं है, पॉज नहीं करता है मूवमेंट, तो यहाँ से दोस्तों बिल्कुल निकल जाने में ही समझदारी है। क्योंकि अगर आपने नीचे भी लिए है बेट दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रेल स्टॉक ने दे दी है, वो हमें भूलना नहीं है दोस्तों। दूसरा स्टॉक है हमारा गेल इंडिया। गेल इंडिया दोस्तों कंटिन्यूस गिरावट दोस्तों चल रही है, और यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यूस ऑलमोस्ट वीकली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं, तो दोस्तों 4 से लेकर 8 वीक यानी कि 2 महीने से कंटिन्यूस प्राइस गिर रहा है दोस्तों। ऐसी गिरावट पहले भी आई थी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दोस्तों चला था, और यहाँ पे 8 वीक कंटिन्यूस गिरावट हुई है। तो चांसेस है यहाँ पे यू टर्न मार सकता है स्टॉक दोस्तों। क्यों मार सकता है, उसके 2 बड़े रीज़न है मेरे पास दोस्तों। एक 50% का रिट्रेसमेंट, हमारा स्विंग हाई हमने कनेक्ट किया 7 जून 2019 को, और स्विंग लो हमने कनेक्ट किया 13 मार्च 2020 को, जो उसका रिट्रेसमेंट आता है 123.85। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों क्लियरली यहाँ पे सपोर्ट लेके स्टॉक गया है, और यहाँ पे भी दोस्तों पिछली काफ़ी वीक वहाँ से अपवर्ड मोमेंटम दिया, इवन लास्ट वीक भी वहाँ से ऊपर गया था। तो दोस्तों 123.85 का लेवल नेक एंड ब्रेक है गेल इंडिया के लिए, वहाँ से दोस्तों अपवर्ड मोमेंटम हमें मिल जाना चाहिए दोस्तों। तो जो लगातार गिरावट हो रही है, वहाँ पे एक अच्छी दोस्तों किरण मिल रही है हमें कि आने वाले टाइम में वहाँ से दोस्तों स्टॉक में अपवर्ड मोमेंटम हमें मिल सकता है दोस्तों। तो इसको आप पकड़ के रखिए। अगर डेली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि यहाँ पे आएगा दोस्तों, और बिल्कुल सा आएगा। बट दोस्तों एक चीज़ है कि 61.8% का रिट्रेसमेंट स्टॉक ने तोड़ दिया है, जो उसका बड़ा मूव बना था, जिसकी वजह से दोस्तों फिर वो नीचे आया, वहाँ से दोस्तों रुका 61.8% का रिट्रेसमेंट को उसने सपोर्ट लिया और फिर वहाँ से ऊपर गया। बट फिर भी दोस्तों गिरावट रुकी नहीं थी, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और 50% के रिट्रेसमेंट के ऊपर रुक जाना चाहिए। अच्छे स्टॉक ऐसे लेवल के ऊपर रुकने जरूरी हो जाते हैं दोस्तों। आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं फंडामेंटली, उसके ऊपर काफ़ी दामोदर रह सकता है इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों। अब बात करते हैं बारबेक्यू नेशन दोस्तों। जब इसका IPO आया था तब दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी, और दोस्तों बिल्कुल जो बातें थी जैसे नज़ारा टेक्नोलॉजी में हमने देखा था, वैसे ही ज़बरदस्त तेज़ी हमें यहाँ पे भी दिखने को मिली। स्टॉक वीकली चार्ट के ऊपर आप देखोगे कि 481 का लो बनाया था लिस्टिंग के टाइम में, और फिर दोस्तों काफ़ी बढ़िया दोस्तों 2000 तक के दोस्तों प्राइसिंग हमें इस स्टॉक में मिलने को मिले थे। 1945 का प्राइस हाई बनाया था, लास्ट लाइफ टाइम हाई, और वहाँ पे दोस्तों एक ही वीक में जिस टाइम हाई बनाया वहीं पे दोस्तों बियर कैंडल बड़ा बना दिया, और वॉल्यूम भी तगड़ा था, और वहीं पे 23.6% के रिट्रेसमेंट को तोड़ दिया है। बट लास्ट 2 वीक का अगर बात करें तो दोस्तों 38.2 पॉइंट के जो रिट्रेसमेंट है वहीं पे रिस्पेक्ट दे रहा है स्टॉक बारबेक्यू नेशन,
और दोस्तों बिल्कुल रुकने की कोशिश करने के माहौल में तो 1386 का स्टॉप लॉस रख के आप इसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं। जितना नज़दीक मिलेगा उतना आप नज़दीक बाइक कर सकते हो। बट दोस्तों यहाँ पे बारबेक्यू जो नेशन है वो चेन रेस्टोरेंट है, और दोस्तों अगर दोस्तों कोविड का जो वेरिएंट आया है उसका दोस्तों अगर प्रभाव बढ़ेगा भारत के ऊपर तो इसके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। तो मैंने जैसे लेमन ट्री और होटल सेक्टर, एविएशन सेक्टर सब में बोला है, वैसे ही कि ये जो टेक्निकल लेवल एक अलग होते हैं बट दोस्तों जो रियलिटी होती है उसको हमें पकड़ के चलना चाहिए। और वहाँ पे दोस्तों मेरी ये राय है आपसे, तो अब भी ये सेक्टर से दूर रहो, क्योंकि हर दिन ओमिक्रॉन के ऊपर एक नए डेवलपमेंट आते हैं। जैसे इसका अगर प्रभाव न्यूट्रल हो जाता है, इंडियन पब्लिक के ऊपर कोई लॉकडाउन या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आते, तो दोस्तों ये स्टॉक बिल्कुल वापस से दोस्तों यू टर्न मारेंगे और बहुत ही जल्द बाउंस बैक देंगे, वी शेप में रिकवरी देंगे। बट अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसीलिए दोस्तों आप इस स्टॉक से अवॉइड कीजिए। आप गेल इंडिया या जो हमने GITF इंफ्रा लॉजिस्टिक के ऊपर बात किया वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगा उस हिसाब से होगा। बट अगर आप हाई रिस्क है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे लग रहा है कि 38.2% का गिरावट जो है इसके लिए काफ़ी अच्छा है। क्यों अच्छा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये रिट्रेसमेंट लेवल को मैं निकाल देता हूँ और जो चार्ट की हमारे पास दोस्तों लाइव है उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। तो जो प्रीवियस हाई बना था दोस्तों यहाँ पे, उसको दोस्तों हम कनेक्ट करके थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हैं कि जो चार्ट है कंपनी का वो लास्ट टाइम भी हाई बना के कहाँ पे रुका था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 23.6% में ही वहाँ पे रुक गया था दोस्तों, लास्ट टाइम जो हाई बनाया था वहाँ पे दोस्तों। उससे पहले का जो हाई बनाया था दोस्तों स्टॉक ने वो ये हाई था दोस्तों, और वहाँ पे भी 23.6% पे रुक गया था दोस्तों। यानी कि कंटिन्यूस हमें दो बार दोस्तों 23.6% पे ये स्टॉक ने अपनी दोस्तों तेज़ी दिखाई थी और वहाँ से ही आगे बढ़ा था, और उसके बाद जो हाई बना था वहाँ पे भी दोस्तों 23.6 का बना था। तो यहाँ पे दोस्तों 38.2 है दोस्तों, अगर तीन बार 23.6% के रिट्रेसमेंट को रिस्पेक्ट दिया है और वॉल्यूम के साथ दोस्तों नीचे आया है स्टॉक, यहाँ पे आप देख सकते 23.6 के रिट्रेसमेंट को तोड़ के आया है नीचे, और यहाँ पे दोस्तों एक नेक्स्ट लेवल का रिट्रेसमेंट है वहाँ पे रुकना चाहिए। और यहाँ पे आपको बियर्स बुल्स जो है एक्टिवेट हुए दिख रहे हैं दोस्तों चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर दोस्तों। बट ओमिक्रॉन के खतरे को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो इसको अभी फिलहाल साइड में रखिए, वॉच लिस्ट में रखिए। जैसे ही अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट आ जाते हैं, हम न्यूट्रलाइज कर देते थ्रेड्स को, तो फिर हम इसमें एंट्री करके पैसा बना सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।